तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब पार्टी उत्तर प्रदेश में नए सिरे से जन आंदोलन शुरू करेगी। इसके तहत फ्रंटल संगठन अलग अलग मोर्चे पर अब कार्य करेंगे। मुख्य कमेटी पदयात्रा सहित अन्य जन आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम शुरू करेगी। इसको लेकर मंगलवार को यानी आज के दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में नए सिरे से सियासी जमीन तैयार की जाए। इसके लिए पार्टी के पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से जातीय जनगणना कराने, आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में सम्मेलन किए जा रहे हैं। कोशिश है कि जन आंदोलन के जरिए लोगों को जोड़ा जाए। विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम से साफ हो गया है कि भाजपा से मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही ले सकती है। आज की बैठक कई मायनों में अहम होगी, जहां पूरी कार्यकारिणी को एक दूसरे से वाकिफ कराया जाएगा, वहीं भविष्य की रणनीति भी तैयार की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में क्षेत्रवार पदयात्रा शुरू करने पर भी चर्चा होगी। इस तरह जिलेवार कानून व्यवस्था, महंगाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरू करने का पूरा प्लान है। किसानों के मुद्दे को लेकर सम्मेलन करने, छात्रों व युवाओं के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी।